हाँ हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। ब्रैकीज़ ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो यूट्यूब चैनल को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। नए वीडियोस नहीं आएंगे उनके चैनल के ऊपर और जो पुराने वीडियोस है वो वैसे ही रहेंगे, बट उनकी जो नए वीडियोस है वो अभी नेक्स्ट चैनल में नहीं आएंगे। काफ़ी सारे लोग ब्रैकीज़ के साथ बड़े हैं एंड जैसे उसने एक्सप्लेन किया था वीडियो के अंदर वो कि वो 15 साल की उम्र से वीडियोज़ बना रहा है यूट्यूब के ऊपर। सो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा धक्का है गेम डेवलपमेंट कम्युनिटी के लिए, क्योंकि जो नए नए लोग गेम डेवलपमेंट ट्यूटोरियल्स वगैरह सीखना चाहते हैं ब्रैकीज से स्पेसिफिकली, जिनको उसका एक्सप्लेनेशन का स्टाइल पसंद है, जिन्होंने काफ़ी सारे गेम्स बनाए ब्रैकीज के ट्यूटोरियल्स को देख के, वो अभी थोड़ा सा सेटबैक होगा। बट फिर भी यार दुख की बात नहीं है। एनी विच वेज जैसे बोलते हैं कि यार आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम लोग ग्रो हो जाते हैं, उनके जो एम्बिशंस हैं उनके गोल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं एंड इट इज़ क्वाइट नेचुरल, क्योंकि आप एक चीज़ को इतने ही टाइम तक कर सकते हो, उसके बाद फिर आपको लगता है कि यार नहीं, हमें और भी चीज़ें परस्यू करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी काफ़ी छोटी है ना यार। गेम डेवलपमेंट के अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए, जैसे ट्रैवलिंग है, फिर बाद में हॉबीज़ आप परस्यू कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, गेम्स खेल सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो। तो एंड मेरे हिसाब से ब्रैकीज़ ने काफ़ी अच्छा एक मार्केट एस्टैब्लिश कर दिया था वो खुद के लिए एंड अच्छा खासा रेवेन्यूज़ वगैरह भी कमा लिया था। सो आई थिंक ही इज़ एट अ वेरी ग्रेट स्टेज राइट नाउ टू से गुड बाय एंड डेफिनेटली गुड बायज़ आर ऑलवेज हार्ड एंड आई रियली अप्रिशिएट एंड मैसिवली रिस्पेक्ट ब्रैकीज़ कि उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया तब जब उन्हें चाहिए था कि नहीं अभी इसके आगे अगर वो लोग कंटिन्यू करेंगे तो फिर मे बी वो जस्टिस नहीं दे पाएंगे। सो मैसिव रिस्पेक्ट टू ब्रैकीज फॉर दैट, फॉर ओनिंग अप कि यार नहीं वो अभी नहीं कंटिन्यू कर सकते। जो लोग ब्रैकीज के फैंस हैं अभी वो क्या करेंगे यार दोस्तों, काफ़ी सारे दूसरे सोर्सेज है लर्निंग के लिए, लर्निंग कभी भी ख़त्म नहीं होती एंड दूसरे बहुत सारे चैनल्स है, ब्लैक थ्रोन पॉड है और काफ़ी सारे दूसरे चैनल्स हैं जहाँ से आप ट्यूटोरियल्स वगैरह सीख सकते हो। तो दिल छोटा मत करो, ब्रैकीज़ को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट एंड मेरा एक छोटा सा मैसेज ब्रैकीज़ को, अभी गेम डेवलपमेंट हो गया, इसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ करोगे, बड़ा सोच बड़ा सोच बड़ा सोच बड़ा सोच। बट एनीवे, ये तो अपना चैनल का मीम कंटेंट था। जेन्युइनली विशिंग ब्रैकीज़ ऑल दी बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड यार आप लोग भी अगर ब्रैकीज़ के चैनल को अब तक चेकआउट नहीं किया है, जाइए उसके चैनल को चेकआउट कीजिए। मैं जानता हूँ मेरे चैनल में से तो ऑलमोस्ट 99% लोग ऑलरेडी ब्रैकी से सब्सक्राइब होंगे, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। बट यार जाके चेकआउट कीजिए उसके चैनल के ऊपर, बहुत आपको अमेजिंग लेवल का कंटेंट मिल जाएगा। दैट्स इट, आई मीन और कुछ मेरे को ऐड करने के लिए नहीं है इसके अंदर इतना कुछ, इतना ही बोलना था। सो ब्रैकीज की टीम को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट फॉर वट एवर दे आर डूइंग नेक्स्ट एंड आई होप यू गाइज हैव अ ग्रेट टाइम। दैट्स इट फॉर इस वीडियो दोस्तों, अगर आप ब्रैकीज को फॉलो करते हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, मेरे चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोस को मिस नहीं कर पाओ। मैं गेम्स और गेम डेवलपमेंट रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ये क्या तू छोटा मोटा गेम लेके बैठा है रे, थोड़ा बड़ा सोच ना। बड़ा सोच बड़ा सोच बड़ा सोच बड़ा सोच बड़ा सोच बड़ा सोच। माइनक्राफ्ट तो 6 दिन में बना था, तुझे 6 महीने क्यों चाहिए।